नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है स्वाभिमान। संजीव को उनके चाचा जी का फ़ोन आया तो पता चला कि बाबूजी गांव में बीमार चल रहे हैं। तो संजीव ने सोचा क्यों ना बाबूजी को घर ले आएं। संजीव ने रोमा से कहा, मैं कल बाबूजी को गांव लेने जा रहा हूं। संजीव गांव में जाकर बाबूजी को अपने घर शहर में लेकर आता है और बाबूजी को देखते ही वंश दौड़कर उनसे लिपट जाता है। रोमा ने भी बाबूजी के पैर छुए और चुपचाप चली गई। वैसे तो मनोहर जी को शहर का जीवन बिल्कुल नहीं पसंद था, उन्हें तो अपने गांव की खुली हवा ही अच्छी लगती थी, पर पत्नी के जाने के बाद बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। अब बीमार भी रहने लगे थे। संजीव का बार बार छुट्टी लेकर गांव जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए इस बार जब वह बीमार हुए तो संजीव ने उन्हें अपने साथ रखने का फैसला लिया। कम से कम सामने रहेंगे तो मन को तसल्ली रहेगी, वरना गांव में तो देखने वाला भी कोई नहीं है। यही सोचकर संजीव उन्हें अपने साथ शहर ले आया। उनके रहने के लिए बाजू वाला एक कमरा जो किराए पर दे रखा था वह खाली करा दिया गया, पर संजीव के इस फैसले से रोमा खुश न थी। बाबूजी के आने से एक तो खर्चा बढ़ गया, दूसरा किराएदार जाने से किराए के पैसे आना भी बंद हो गए थे, ऊपर से रोमा का काम भी बढ़ गया। अब उसे उनके लिए अलग से फीका खाना बनाना पड़ता है। पहले तो वंश को स्कूल जाते ही कभी शॉपिंग तो कभी सहेलियों के साथ घूम लिया करती थी, पर अब बाबूजी के कारण उसे घर में ही रहना पड़ता। बहू नहाने के लिए गर्म पानी गीजर से बना देना, अखबार पढ़ते हुए मनोहर जी ने कहा। इनके ऑर्डर शुरू हो गए, अपने मन ही मन बड़बड़ाते हुए रोमा ने कहा। फिर वह संजीव से बोली, बाबूजी से बोल दो अभी तो ठंड शुरू भी नहीं हुई है, तो फिर गर्म पानी से नहाना क्यों, अभी तो वंश भी नॉर्मल पानी से नहाता है। संजीव के घर आते ही रोमा ने शिकायत शुरू कर दी। अरे तो क्या हो गया, बूढ़ा शरीर है, जरा में ठंड लग गई तो, संजीव ने समझाते हुए कहा। तो बिजली का बिल वह देंगे क्या, आजकल उनके लिए दिन भर टीवी पंखा चलता रहता है, हमारे ही खर्चे पूरे नहीं होते, ऊपर से उनका खर्च भी उठाओ, रोमा ने झल्लाते हुए गुस्से में कहा। मनोहर जी अब स्वस्थ हो चले थे, वंश की मीठी मीठी बातें उनके मन को शीतल कर जाती। वंश को भी उनसे बहुत लगाव था, स्कूल से आते ही उनके साथ खेलना और कहानी सुनना उसे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन रोमा अपनी सहेली से बात कर रही थी तो कह रही थी, क्या बताऊँ यार, जब से ये यहाँ आए हैं मेरी तो आज़ादी ही छिन गई है, दिन भर उनकी सेवा में चला जाता है, एक मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती। अरे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, तुझे तो अच्छा ही है, बस ज़रूरत है उनसे काम निकलवाने की। मतलब ये कि अब तो तेरे ससुर ठीक हो गए हैं तो तू अपने घर का छोटा मोटा काम तो करवा ही सकती है, जैसे सुबह दूध लाना, शाम की सब्जी लाना, वंश को ट्यूशन छोड़ने जाना और लेकर आना, इन सभी कामों से तो फ्री हो सकती है। बात तो तू सही कह रही है। अगले दिन ही संजीव के जाते ही रोमा ने मनोहर जी को दूध लेने भेज दिया। वंश को भी ट्यूशन लाने और ले जाने का काम अब मनोहर जी का ही रहता, मनोहर जी को भी अच्छा लगता, वैसे भी वे घर में बैठे बैठे बोर होते रहते थे, अब घर से बाहर निकलने लगे तो उन्हें भी अच्छा लगने लगा। पर रोमा ने तो बाहर का पूरा काम धीरे धीरे उन पर ही छोड़ दिया, चाहे बिजली पानी का बिल हो, चाहे सब्जी भाजी लाना हो, या फिर कुछ किराने की दुकान से थोड़ा बहुत सामान लाना हो, सब काम मनोहर जी ही देखने लगे। मनोहर जी भी सब समझते थे, पर उनके कारण बहू बेटे को परेशानी ना बढ़े इसलिए चुप ही रहते। पर रोमा के शब्द बाबूजी के आने से खर्चा बढ़ गया उनके कानों में पड़ ही जाते। एक दिन वंश ने ट्यूशन से लौटते हुए बातों ही बातों में बाबूजी से कहा, दादाजी आप चार रोटी बराबर काम करते हो। वंश की बात सुनकर मनोहर जी थोड़ा सोच में पड़ गए, उन्हें कुछ समझ ना आया कि नन्ना वंश ये क्या पूछ रहा है। हाँ बेटा, मैं चार रोटी बराबर काम करता हूँ क्योंकि मैं बड़ा हूँ ना, पर तुम्हें ऐसा किसने कहा, मनोहर जी ने बातें बनाते हुए कहा। माँ बोल रही थी फ़ोन पर कि बाबूजी चार रोटी खाते हैं इसलिए अब मैं उतना काम भी करवाती हूँ उनसे। मासूम वंश के मुँह से यह सब सुनकर मनोहर जी शून्य रह गए। शाम को भी उनसे खाना ना खाया गया, फिर चुपचाप अपने कमरे के बाहर भी ना निकले। संजीव ने भी कई बार पूछा पर वह शांत ही रहे, शायद बाबूजी को माँ की याद आ रही है, सोचकर संजीव ने भी उन पर ज़्यादा दबाव ना डाला। अगले दिन सब चौंक पड़े, बाबूजी वही पुराना झोला लिए
गांव जाने के लिए तैयार खड़े थे। क्या हुआ बाबूजी, आप सुबह सुबह कहाँ जाने को तैयार हो गए हैं? संजीव ने आश्चर्य भरे स्वर से कहा। बस बेटा, अब मुझे वापस जाने दो, यहाँ मन नहीं लगता। वहाँ कम से कम सभी दोस्त और चाय की दुकान पर बुजुर्गों की सभा में दिन गुजर जाता है। क्या हुआ बाबूजी, क्या कोई मुझसे या रोमा से कोई गलती हो गई? संजीव ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम लोगों से कोई गलती नहीं हुई, पर अब मैं अपनी बची हुई ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। गांव में भले ही भौतिक सुख सुविधाएँ ना हों, पर जहाँ मैंने जीवन के इतने बरस बिता दिए, जहाँ तेरी माँ ने कोने कोने को अपने घर से सजाया हो, मानसिक सुख वही मिलता है। मेरी चिंता मत करना, अब मैं वहाँ जाकर बीमार नहीं पड़ूंगा, हंसते हुए मनोहर जी ने कहा। रोमा और संजीव बाबूजी को जाते हुए देखते ही रह गए। बस में बैठे मनोहर जी सोच रहे थे, अपने सम्मान और अपने स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए यह जरूरी था। आंखें नम जरूर थीं, पर मन में आत्मसंतुष्टि थी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।